रूस के रागिस्तान में आतंकी हमला, हमलावरों ने डरबेंट शहर में दो चर्च में फायरिंग की। आतंकी हमले में चर्च के पादरी की मौत। रूस के दागिस्तान में दो जगहों पर हुई है भारी गोलीबारी। आतंकी फायरिंग में 23 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। रूस के मक्षकाला के बीच और पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ। अटैक के बाद बीच पर अफरा तफरी मची। हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, पुलिस ने दो आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा। डरबेंट शहर प्राचीन यहूदी समुदाय का इलाका। मक्षकाला के ऑर्थोडॉक्स चर्च में फायरिंग का वीडियो सामने आया। रूसी नेशनल गार्ड की गोलीबारी में कई आतंकवादियों की मौत। आतंकी हमले में 15 पुलिसकर्मियों की मौत। पूरे इलाके में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन जारी। रूस के दागिस्तान में आतंकी ने खुद को उड़ाया। कार में बैठे फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ाया। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आतंकवादियों ने कई इमारतों में आग लगाई। मक्षकाला में भी पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस थाने में घुसकर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। रूसी नेशनल गार्ड ने संभाला मोर्चा। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नेशनल गार्ड ने पूरे शहर को घेरा। रूसी सेना और आतंकवादियों में भीषण गोलीबारी। इमारत के अंदर घुसे हैं आतंकवादी। रूस में आतंकी हमले का नया वीडियो सामने आया। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले पर चेचन्या प्रमुख का बड़ा बयान। कादिरोव बोले, आतंकवादियों को मौके पर ही मार दिया जाए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं। रूसी न्यूज एजेंसी का दावा, आतंकी हमले में एक रूसी नेशनल गार्ड की मौत। आतंकी हमले में मारे गए रूसी नेशनल गार्ड की मौत का वीडियो आया सामने। सड़क पर दिखाई पड़ी सुरक्षाकर्मी की लाश। सड़क पर गोलीबारी करते दिखाई दिया आतंकी। तीन आतंकी में से एक पुलिस की कार से सामान निकालकर फेंकता नजर आया। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरे शहर की काटी गई लाइट। अंधेरे में सुनाई दे रही है फायरिंग की ताबड़तोड़ आवाजें। दागिस्तान आंतरिक मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय का दावा, मक्षकाला में लोगों को बंधक बनाने की खबर फिलहाल झूठी है। मक्षकाला में रूसी नेशनल गार्ड और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन तेज। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हो रही है भीषण गोलीबारी। डरबेंट शहर में आगे बढ़ रहा है रूसी नेशनल गार्ड के साथ एक बीटीआर 80 का काफिला। कई आतंकी रिहायशी बिल्डिंग में घुसे। दागिस्तान में हमले के बाद पूरे शहर में नाकाबंदी। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया। मक्षकाला की सड़कों पर रूसी बीटीआर 80 की मूवमेंट नजर आई। सूत्रों के मुताबिक मक्षकाला में चर्च पर हालात पर पाया गया काबू। सुरक्षा बलों ने स्थिति पर नियंत्रण किया। दक्षिणी रूस के मक्षकाला की सड़कों पर काले कपड़े में नजर आए आतंकी सड़क पर कर रहे हैं अंधाधुंध गोलीबारी। हमले के बाद क्रेमलिन में इमरजेंसी बैठक। वॉर कमांडर्स के साथ पुतिन ने की बैठक। रक्षा मंत्री, सेना के बड़े अधिकारी बैठक में रहे मौजूद।